दक्षिण भारत को सौगात दे रहे हैं वंदे भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरी झंडी दिखाते हुए इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस को तिरुवनंतपुरम की ये वंदे भारत और ये जो मिशन दक्षिण है अर्पिता, ये बेहद महत्वपूर्ण और दो दिवसीय ये जो दौरा आज उसका दूसरा दिन प्रधानमंत्री का, ऐसे में तमाम वो तस्वीरें जो ये दर्शाती है कि कैसे इस वक्त दक्षिण केंद्र में है और दक्षिण पर ही फोकस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का टिका हुआ है। बिल्कुल, और मिशन दक्षिण के तहत ही प्रधानमंत्री यहां जब पहुंचे सौगातों के साथ, 3200 करोड़ की ये सौगात, लेकिन इससे पहले भारत वंदे भारत की सौगात जो है केरल वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए, हरी झंडी दिखाई है और खास अंदाज भी प्रधानमंत्री का देखिए आप, वहीं का परिधान पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और वाटर मेट्रो की सौगात भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं और ये पहली वाटर मेट्रो होगी जिसकी शुरुआत वहां पर हो रही है। 10 द्वीप आसपास पड़ते हैं जिससे काफी फायदा माना जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को बहुत फायदा इससे होने वाला है। इस बीच वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं, केरल की ये पहली वंदे भारत जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बेहद दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त तिरुवनंतपुरम से आ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने महज ये हरी झंडी नहीं दिखाई है बल्कि दक्षिण भारत कैसे इस वक्त फोकस में है इसको भी हरी झंडी दिखा दी गई है क्योंकि कर्नाटक चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम वो दिग्गज नेता अब एक के बाद एक वहीं दिखने वाले। देखिए बिल्कुल, कहीं कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है और जो प्रोजेक्ट चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो या आंध्र प्रदेश में हो या हैदराबाद में हो, उनको लगातार प्राइम मिनिस्टर के जो फोकस पे है वो दक्षिण भारत के वो राज्य हैं जहां उनको लगता है कि एक ऐसी फर्टाइल लैंड है जहां पर पार्टी को विजय मिल सकती है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था नेहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन राज्यों के जब पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि केरल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। तो ये केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों में कई दौरे कर चुके हैं वो, और इसी तरीके से वो अपने जो लोकप्रियता है अपने कामों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है केरल में भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो खिल जाए और ये अगर हम देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफलता मिलती नजर आ रही है। कल उन्होंने 9 बिशप से मुलाकात की थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश में है कि क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज जो है उनका वोट उनको मिले। केरल के अंदर जो है क्रिश्चियंस डिसाइड करते हैं कि वो किस तरफ किसकी सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो ये लगता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं और इसी का उनको फायदा भी मिलता है चुनावों के अंदर भी, और वो एक तरीके से जानते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है इसका फायदा उन्हें मिल सकता है चुनावों में, तो उसका वो भरपूर उपयोग भी करते हैं। अभी वंदे भारत जो है उसका इनोग्रेट किया है, यहाँ पे वो बच्चों के साथ बातचीत करने वाले हैं, उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज जो है वो डेडिकेट करेंगे, उसके बाद जो है वाटर मेट्रो का इनोग्रेट करने वाले हैं वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन और साथ ही साथ केरल के जो राज्यपाल हैं वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव दर चुनाव उनको लगता है कि अगर आपको सक्सेस लेनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही जो है वो आगे बढ़ाना होगा। और हिमांशु, इस दौरे में अगर हम देखें तो सब कुछ नजर आ रहा है, इसमें एक रोड शो के साथ शुरुआत होती है और बकायदा यहाँ पर आज के दिन की और वंदे भारत की सौगात, 3200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं और खास बात यह भी है कि सबसे पहले चर्चों के पादरियों से उनकी मुलाकात हुई, यानी सीधे तौर पर निशाना बीजेपी जो है ईसाइयों को भी आकर्षित करने के लिए साथ रही। आप अपना सवाल दोहराएंगे हिमांशु? यहाँ पर हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे में नजर आ रही है, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो वंदे भारत को लेकर सौगात देना हो या ईसाइयों को साधना, ये सारी कोशिश प्रधानमंत्री और बीजेपी की यहां रही है सौगातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे।